नमस्कार स्टूडेंट्स, चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास को। देखिए, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ इनइक्वालिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस करवाए हुए थे, है ना, थ्योरम उनकी प्रूफ करवाए हुए थे। तो जो भी थ्योरम्स या जो भी क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए थे वो सभी आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। आप देखोगे कि जो आपका पेपर आएगा उसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपको इन्हीं इनइक्वालिटी को प्रूफ करना, कोई ना कोई क्वेश्चन आपको दिया होगा, ठीक है। तो जो भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं और जो भी आज मैं करवाऊंगा, इनको आप लोग बहुत अच्छी तरीके से तैयार करके रखेंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके सब एग्जाम में आते हैं इनक्वालिटी प्रूफ करने के लिए। और आज की क्लास ये आपकी डेमो क्लास, लास्ट डेमो क्लास होगी यूट्यूब पर। इसके बाद जो भी क्लासेस होंगी वो सारी आपकी पेड क्लासेस आपको मिलेंगी। तो यदि किसी को भी कम्प्लीट कोर्स ज्वाइन करना है तो आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी YouTube पर जो भी चीजें इम्पोर्टेंट होंगी, जो अच्छी चीजें होंगी, काफी सारी लीनियर अलजेब्रा में अच्छी अच्छी चीजें हैं जिनके हमको ट्रिक भी पता होना चाहिए। तो ऐसी कुछ भी चीजें होंगी जो मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए आवश्यक है, कहीं आप लोग के लिए लाभदायक होंगी, चाहे वो MSc का एंट्रेंस हो या आगे आप IIT JAM का एग्जाम दोगे। तो जो भी इम्पोर्टेंट चीजें होंगी वो मैं आप लोग को यूट्यूब के माध्यम से वीडियो अपलोड करता रहूंगा। लेकिन जो कोर्स का ये जो सिलेबस है ये आपको लगभग ये आज आपकी लास्ट डेमो क्लास होगी, ठीक है। यदि आपको समझ में आती हैं चीजें, पसंद आता है मेरे पढ़ाने का तरीका, तो आप लोग कंप्लीट कोर्स ले सकते हो, ठीक है। चलिए, आज मैं आप लोग को एक और इनइक्वालिटी, देखिए हम लोग लेते हैं इसको प्रूफ करते हैं। देखिए थ्योरम, देखो इस पर दिया है कि लेंथ ऑफ x प्लस वाई, लेंथ ऑफ x प्लस वाई ये क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, लेंथ ऑफ y से। और आगे आपको दे रखा है कि x इंटू वाई क्या है, ग्रेटर है कुल जीरो है, ठीक है। तो ये दिया है, तो चलिए हम लोग इसको प्रूफ करते हैं इस कंडीशन को लेकर के, x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो, ये कंडीशन यदि ट्रू है तो हम लोग लेंथ ऑफ x प्लस वाई ग्रेटर देन होगा लेंथ y से, ये हम लोग को प्रूफ करना है। चलिए हम लोग प्रूफ करते हैं इसको। देखिए सबसे पहले हम लोग लेकर के चलेंगे कि यदि हम लोग कंसीडर करें लेंथ ऑफ x, तो ये तो पॉजिटिव होगा, यदि इसका स्क्वायर कर दें तब तो ये बिल्कुल ही पॉजिटिव होना है ना, पॉजिटिव तो है ही, तो यहां से आप लिख सकते हो ग्रेटर देन जीरो। यदि हम इस पर लेंथ ऑफ एक्स स्क्वायर में हम लोग कुछ ऐड कर दें, है ना, मान लो मैंने ऐड कर दिया 2x इंटू वाई, ये हमने ऐड कर दिया, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। समझ में आ रहा है सबको, क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमको दिया है कि x इंटू वाई पॉजिटिव है ना, ये पॉजिटिव है। तो जब ये पॉजिटिव है तो 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, तो ये पूरा यदि हम इस पर ऐड कर दें इतना तो भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब देखो जैसे कि यहां पर हम एक चीज और ऐड करते हैं इस पर, लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई, प्लस हम लोग इस पर ऐड कर देते हैं लेंथ ऑफ वाई का स्क्वायर, दोनों साइड ऐड कर देते हैं, तो इधर पर क्या हो जाएगा, जीरो प्लस लेंथ ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर यहां पर आपने दोनों साइड ऐड किया है, यहां पर ऐड नहीं किया है दोनों साइड, है ना। तो यही सब चीजें तो सीखने वाली होती हैं, हमको किस क्या प्रूफ करना है तो हमें किस चीज की आवश्यकता है तो हम उसी को ऐड करेंगे उसी तरीके से, है ना। ऐसा नहीं है कि हर जगह ही आपको वो काम करना है, यहां पर हम लोग ऐड कर सकते थे क्योंकि हमें यहां पर केवल पॉजिटिव रखना था, तो यहां पर इनइक्वालिटी पर कोई चेंज नहीं हो सकता, हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहां पर हमने दोनों साइड ऐड किया है क्योंकि हमको वाई की आवश्यकता थी तो हमने दोनों साइड ऐड कर दिया, ये भी मैथमेटिक्स का नियम कहता है ना कि दोनों साइड हम लोग किसी चीज को ऐड कर सकते हैं, तो ये हम लोग यहां पर ऐसा कर दिया। अब देखो यहां से ये जो लेंथ ऑफ एक्स स्क्वायर है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इंटू एक्स, ठीक है, प्लस ये क्या हो गया 2x डॉट y, प्लस y का जो लेंथ y का स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं y डॉट y। और यहां पर आप देखोगे कि ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इधर पर क्या बन गया, क्या दिख रहा है यहां पर, इसको हम लोग लिख सकते हैं
x प्लस वाई डॉट x प्लस वाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और ये होगा हमारा ग्रेटर किससे, लेंथ ऑफ y के स्क्वायर से, ठीक है, और लेंथ ऑफ y के स्क्वायर से। तो अब देखो यहां से इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको लेंथ ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर, और ये ग्रेटर होगा किससे, लेंथ ऑफ y के स्क्वायर से, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा है, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये नंबर भी क्या होगा x प्लस वाई का लेंथ, ये भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे, लेंथ ऑफ y से, ठीक है। और देखो यही चीज हमको प्रूफ करना था, ठीक है, तो हमको इस कंडीशन का यूज करके इसको प्रूफ करना था, तो हमने यहां से इस तरीके से प्रूफ कर दी। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप लोग सब तैयार करके रखेंगे बढ़िया तरीके से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो एक और क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके सामने, एग्जाम्पल देखो यहां पर कहा गया है, इफ देखो इफ x डॉट y ये हमारा क्या है, लेस देन आर इक्वल टू जीरो है, देन प्रूव दैट, देन प्रूव दैट, हमें क्या प्रूफ करना है कि लेंथ ऑफ x माइनस वाई इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ x, ठीक है, इसको हमको ये प्रूफ करना है। तो चलिए इसको भी हम लोग प्रूफ करते हैं, देखिए कैसे प्रूफ करेंगे। यदि हम लोग यहां से लेकर के चलें, ये कंसीडर करें कि लेंथ ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि सर इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई डॉट x माइनस वाई, है ना, और इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर सकते हैं किस तरीके से, x का x से x डॉट x, फिर y का x से तो ये हो जाएगा माइनस का y डॉट x, फिर x का माइनस वाई से तो ये आ जाएगा माइनस का x डॉट y, और फिर माइनस वाई का माइनस वाई से तो ये हो जाएगा प्लस का y डॉट y, ठीक है। अब देखो x डॉट x को क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ x का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हो, माइनस का 2xy, और इसको क्या लिख सकते हो, लेंथ ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग यहां तक ऐसा लिख सकते हैं। अब यहां से देखो यदि हम लोग, हमको यहां पर क्या दिया है, x इंटू वाई क्या है, लेस देन जीरो है, है ना, क्या है, लेस देन जीरो है, तो यदि ये लेस देन जीरो है, यदि क्या है, लेस देन जीरो है, तो यदि हम इसको हटा दें, या आप ऐसा सोच लो ये लेस देन जीरो है x इंटू वाई, और एक माइनस यहां पर लगा है, यानी कि ये x माइनस वाई क्या है, लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव है, तो x इंटू वाई निगेटिव है, एक माइनस ये लगा है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि ये पूरा नंबर क्या है, पॉजिटिव है, और यदि हम इस नंबर को हटा दें तो क्या होगा, इधर की चीज छोटी हो जाएगी जब पॉजिटिव नंबर को हटाओगे तो, है ना, यहां पर इक्वल का भी साइन लगा है ना, तो यहां पर भी हम लोग क्या लगाएंगे, लेस देन आर इक्वल टू हो जाएगा किसके, लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वाई का स्क्वायर। यहां पर आप लिख सकते हो कि ये हमने क्यों किया है, क्योंकि एज एक्स इंटू वाई हमारा क्या दिया है, लिए लेस देन जीरो यानी कि निगेटिव है, ठीक है, तो ये हम लोग यहां से ऐसा कर सकते हैं। अब यहां से आप देखो कि यदि हम लोग लेंथ ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, यदि हम लोग इस, ये भी एक पॉजिटिव नंबर है ना, तो इसको भी यदि हम हटा दें तो क्या आ जाएगा, यहां पर हमारा स्ट्रिक्टली ये ग्रेटर हो जाएगा किससे, इस नंबर से, ठीक है, ये तो हमारा फिर बड़ा ही बड़ा हो जाएगा इससे केवल, और ये यहां से आप लिख सकते हो दिस इंप्लाइज यदि इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर से बड़ा है तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, एक्स माइनस वाई क्या होगा, बड़ा होगा किससे, लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है। तो इस तरीके से इसका प्रूफ है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
इसको भी आप लोग तैयार करके रखेंगे, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जो नेक्स्ट थ्योरम है या नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाहे थ्योरम कहो या क्वेश्चन करो कहो, क्योंकि हमें इसको प्रूफ तो करना ही है। देखो ये, इसको हम लोग एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम आइडेंटिटी। तो देखिए पैरेललोग्राम आइडेंटिटी हमारी क्या कहती है, समझिएगा इसको भी। लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इजकल टू, ये क्या हो जाता है, टू इंटू लेंथ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वाई का होल स्क्वायर, ऐसा, ठीक है। ये तो इसको हम लोग चलिए प्रूफ करते हैं, छोटा सा प्रूफ है इसका भी। देखो जैसे कि हम लोग यहां पर कंसीडर करें लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। यहां से आप देखोगे इसका मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा यहां पर एक्स डॉट एक्स, फिर आएगा प्लस का वाई डॉट एक्स, फिर आएगा एक्स, अब वाई का करोगे ना तो आएगा वाई, एक्स का हो गया ना, अच्छा एक्स डॉट वाई, फिर आएगा वाई का वाई से वाई डॉट वाई। ये तो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, इक्वेशन वन मार्क कर सकते हो। और यदि हम लोग यहां से निकालें लेंथ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो एक्स माइनस वाई डॉट एक्स माइनस वाई, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो यह आएगा, इसका इससे करोगे तो एक्स डॉट एक्स, ठीक है, फिर इसका आप एक्स का वाई से कर दो तो यह आ जाएगा माइनस का एक्स डॉट वाई, फिर आप माइनस का वाई का एक्स से करोगे तो माइनस का वाई डॉट एक्स, फिर माइनस वाई का माइनस वाई से करोगे तो वाई डॉट वाई, ठीक है। इसको आप लोग टू मार्क कर दो, टू मार्क कर दो। अब क्या करो, यदि हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं, एडिंग, तो जब ऐड करोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा आपका लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इजकल टू, इधर पर देखो क्या आएगा, ये प्लस का टू एक्स वाई और माइनस का टू एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर क्या आएगा, यहां पर आ जाएगा हमारा टू एक्स डॉट एक्स प्लस वाई डॉट वाई। और यहां से आप लिख सकते हो इसको टू लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। यही हमको प्रूफ करना था, तो आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, देखो थ्योरम, और इसको हम लोग जानते हैं जो आइडेंटिटी हम लोग अब लिखेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन आइडेंटिटी, पोलर है ना, पोलराइजेशन आइडेंटिटी। देखो ये क्या कहती है, इसको भी ध्यान से समझते हैं। x इंटू वाई इज इक्वल टू वन बाई फोर, एक्स इंटू वाई इजकल टू वन बाई फोर, फिर है आपका लेंथ ऑफ x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है, ये है आपका। तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं कैसे प्रूफ करेंगे। देखो जैसे कि आपने यहां पर देखा था,
हम लोगों ने निकाला था यहाँ पर इक्वेशन वन और इक्वेशन टू, है ना। तब हम लोग इसको यहीं से हमने फिर यहाँ पर क्या किया था, इन दोनों को ऐड कर दिया था, है ना। तो इन्हीं इक्वेशन को मैं फिर से यहाँ पर माइनस करे दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट करे दे रहा हूँ, और आप लोग यहां से इनको निकाल लेते हो। मैं दोबारा से लिख नहीं रहा हूँ इन इक्वेशन को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखे दे रहे हैं, दिस इम्प्लाइज हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्वेशन वन में माइनस कर रहे हैं इक्वेशन टू को। देखो हमको क्या मिल जाएगा, यहां से हमको मिल जाएगा लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है। अब देखो यहां से हमको क्या मिलेगा, यदि माइनस करोगे तो हमारा एक्स इंटू एक्स और एक्स इंटू एक्स से क्या होगा, कैंसिल होगा, इधर वाई इंटू वाई ये कैंसिल होगा, ये और ये हमारे एड हो जाएंगे, है ना। तो यहां पर हमको क्या मिल जाएगा, टू एक्स वाई, और नीचे वाले में भी टू एक्स वाई, तो यहां पर हमको मिल जाएगा कितना, फोर एक्स इंटू वाई, ठीक है। अब देखो यहां से यदि हम लोग एक्स इंटू वाई निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा, ये फोर इधर आ जाएगा, है ना। तो यहां पर आ जाएगा हमारा वन बाई फोर और लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस लेंथ ऑफ एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, ठीक है। तो बस यही हमको प्रूफ करना था, तो इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं इस थ्योरम को भी, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब देखो इसके बाद है एंगल्स बिटवीन टू वेक्टर्स, तो कर लिया है हमने, है ना, दो वेक्टर के बीच एंगल तो मैंने बता ही दिया पहले ही। अब देखो एक थ्योरम और है, चलिए इसको भी समझते हैं। देखो यहां पर हम लोग थ्योरम का स्टेटमेंट लिख रहे हैं, देखो ये है आपका, लेट एक्स एंड वाई बी नॉन जीरो वेक्टर्स इन आर एन, एंड लेट थीटा बी एन एंगल चलो यहां पर लिख लेते हैं, एन एंगल बिटवीन एक्स एंड वाई, देन, ठीक है। अब हमको यहां पर क्या दिखाना है, तीन कंडीशन है। पहला है कि एक्स डॉट वाई क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, इफ एंड ओनली इफ, कंडीशन दी है कि थीटा कहां से कहां पर लाई कर रहा है, जीरो से पाई बाई टू के बीच में। फिर दूसरी कंडीशन है एक्स डॉट वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, और थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू। फिर तीसरी कंडीशन है कि एक्स डॉट वाई लेस देन जीरो होगा इफ एंड ओनली इफ थीटा कहां पर है, पाई बाई टू से बड़ा और पाई से छोटा, ठीक है। तो ये कंडीशन है तीन, इनको हमको दिखाना है। तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं। तो वो हमने डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एक्स डॉट वाई इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्स इंटू लेंथ ऑफ वाई और कॉस थीटा, ठीक है, ये सबने पढ़ रखा है। अब यहां से देखो पहला केस देखते हैं, हम लोग पहला केस देख रहे हैं, इफ थीटा हमारा कहां से कहां पर लाई कर रहा है, थीटा हमारा लाई कर रहा है जीरो से पाई बाई टू के बीच में, है ना। तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में कॉस क्या होता है, कॉस की वैल्यू हमारी क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो कॉस थीटा ग्रेटर देन जीरो होता है। तो यदि ये ग्रेटर देन जीरो है, ये तो पॉजिटिव है ही, ये भी पॉजिटिव है, तो एक्स इंटू वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी। तो यहां से आप लिख सकते हो दिस इम्प्लाइज एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो, एज यहां पर लिख सकते हो कि लेंथ ऑफ एक्स भी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और लेंथ ऑफ वाई भी पॉजिटिव है और पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव।
और cos थीटा हमने दिखाई दिया कि पॉजिटिव रहता है इस एंगल में, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग देखते हैं, तो वो इसका सेकंड पार्ट हम लोग देख रहे हैं। सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, x into y equal to 0, थीटा क्या है पाई बाई टू। तो देखो सेकंड केस भी देख लो, केस टू है ना, यहां पर हमको क्या देखना है, थीटा हमारा क्या है, इफ थीटा हमको दिया है पाई बाई टू, ठीक है, देन x इंटू वाई क्या हो जाएगा, cos पाई बाई टू तो जीरो होता है ना, तो यहां पर हो जाता है हमारा फिर x इंटू वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तीसरा केस है देखो, केस थ्री, इफ थीटा हमारा कहां पर लाई कर रहा है, पाई बाई टू से बड़ा है और पाई के बीच में है, तो यहां पर इस क्वाड्रेंट में हमारा cos थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंच गया है ना, तो ये हमारा cos थीटा क्या होता है, निगेटिव होता है। तो सो यहां से आप लिख सकते हो x इंटू वाई भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपकी एक थ्योरम थी, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं एक बात और बता देता हूं आपको, ध्यान से समझना इसको, कि जैसे कि ये वाला जो केस है ना आपका केस टू, तो जब भी आप ये देखोगे कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, ठीक है, तो इन ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, यहां पर ध्यान रखना, इनको हम लोग बोलते हैं ऑर्थोगोनल वेक्टर, ठीक है। जब भी हमको ये दिखाना होगा कि वेक्टर ऑर्थोगोनल है, तो हमको क्या दिखाना होगा कि उनका डॉट प्रोडक्ट क्या है, जीरो है। तो आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दिखाता हूं आपको, देखिए ये आपका क्वेश्चन है कि गिवन एक्स वाई जेड इन आर एन विद एक्स ऑर्थोगोनल टू बोथ वाई एंड जेड, प्रूव दैट एक्स इज ऑर्थोगोनल टू सी वन वाई प्लस सी टू जेड। इसका मतलब क्या है कि यहां पर कहा है कि तीन वेक्टर हैं एन डायमेंशन के, और कहा है कि एक्स ऑर्थोगोनल है वाई और जेड पर, है ना, यानी कि एक्स वाई और जेड पर क्या है, परपेंडिकुलर है, एक्स वेक्टर वाई और जेड दोनों पर ही क्या है, परपेंडिकुलर है। देन हमको क्या प्रूफ करना है कि एक्स क्या होगा, वाई और जेड के यदि हम लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दें तो इन पर भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि इस पर भी परपेंडिकुलर होगा। तो चलिए हम लोग दिखाते हैं इसको, देखो सिंस एक्स इज ऑर्थोगोनल टू बोथ वाई एंड जेड, सो यदि वाई पर भी एक्स ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, एक्स डॉट वाई जेड जीरो होगा, और यदि जेड पर ऑर्थोगोनल है तो क्या होगा, एक्स डॉट जेड क्या होगा, जीरो होगा। ये यहां पर आप लिख सकते हो गिवन है, ठीक है, ये दोनों कंडीशन। फिर हमको ये प्रूफ करना है कि एक्स इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा, यानी कि यदि हम लोग एक्स डॉट सी वन वाई प्लस सी टू जेड निकालें तो ये भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये हमको प्रूफ करना है, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो देखते हैं हम लोग इसको करके, ये हो जाएगा हमारा एक्स इंटू सी वन वाई प्लस एक्स इंटू सी टू जेड। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो, सी वन को बाहर कर सकते हो, तो ये हो जाएगा सी वन एक्स वाई प्लस इसको लिख सकते हो सी टू एक्स जेड, ठीक है। अब यहां पर देखो एक्स वाई, एक्स डॉट वाई की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और एक्स जेड की वैल्यू कितनी है, जीरो है, तो ये भी जीरो, ये भी जीरो है ना। यहां से ये हो गया हमारा जीरो प्लस जीरो, यानी कि ये आ गया हमारा कितना, जीरो, यानी इसका डॉट प्रोडक्ट कितना आ गया, जीरो आ गया। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं, हेंस एक्स इज, एक्स इज ऑर्थोगोनल टू लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ सी वन वाई एंड जेड, है ना, सी वन वाई प्लस सी टू जेड आल्सो, ठीक है। यदि एक्स क्या है, वाई और जेड पर ऑर्थोगोनल है, तो y और z के लीनियर कॉम्बिनेशन पर भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। ये हमने प्रूफ कर दिया यहां से। एक और थ्योरम बचती है आपकी, इसको भी मैं आपको बता देता हूं, ये क्योंकि ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जामिनेशन में पहला क्वेश्चन ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और
आप लोग करते क्या हो कि आप लोग कहीं से भी कुछ भी चीजें पढ़ने के लिए बैठ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है। जो जो चीजें हमारे काम की हैं, जो हमारे एग्जाम में पूछी जानी है, उन चीजों को पढ़ना होता है। तो मैं आप लोग को वही चीजें बता रहा हूँ जिनसे आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं निकलता। देखो, ये जो है आपका थ्योरम, इसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। जितनी चीजें मैं करवा दूंगा, पहले सेमेस्टर में भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने जितनी चीजें करवाई हुई थी उतना ही एग्जाम में पूछा गया है फर्स्ट सेमेस्टर में, है ना। और स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में, जैसे मैंने बता दिया कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है, जैसे आप लोग ने सबने देखा ही होगा फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज है। मान लो आपकी रीडिंग्स में यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं इस टाइप से, तो मैंने कहा था कि इस क्वेश्चन को कर लेना, इस क्वेश्चन को कर लेना, इस एक्सरसाइज से, इस पूरी एक्सरसाइज से ये दो क्वेश्चन कर लेना, इन्हीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, है ना, क्योंकि इसी टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन आप लोगों ने क्या किया, आप लोग कहे थे कि नहीं सर, ये हमारी एक्सरसाइज है, हमको सारे क्वेश्चन करने हैं। तो आपने इसको 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 सबको किया, ठीक है, और भी जो क्वेश्चन थे उनको भी किया, तो आपने टाइम वेस्ट किया। जबकि एग्जाम में आपने देखा फिर कि इन्हीं दोनों से ही क्वेश्चन आपके मिल गए, है ना, जितना मैंने करवाया था उतने से ही क्वेश्चन मिल गए आपके, ठीक है। हालांकि आप लोगों ने कहा था कि नहीं सर, इनको भी इनको भी, तो मैंने सबको सॉल्व करवा के आपको दिया उनके सॉल्यूशन, है ना। लेकिन फालतू में मेहनत करने से क्या फायदा है। फर्स्ट सेमेस्टर में ऐसा होता था कि आप लोग को जानकारी नहीं होती थी, है ना, तो ये सब चीजें मुझको भी करनी पड़ी, मैंने सॉल्व करके दिया। लेकिन फालतू में इन, जब ये चीजें आनी ही नहीं है, तो इन पर मेहनत करने से क्या फायदा है। इससे अच्छा है कि हम इन्हीं चीजों को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, है ना, एक एक वीडियो को हम लोग 10-10 बार देख लें, जब इन्हीं से ही क्वेश्चन आ जाने हैं, तो क्यों इतनी ज्यादा हम लोग टेंशन लेकर के बैठे कि सब चीजें हमको तैयार करना है। तो इस वजह से आप लोग को ये बात समझ में नहीं आती है कि एग्जाम में आखिरकार हमारे क्या पूछा जाना है, है ना, किस तरीके के कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन बनता है, तो वो आपको समझ में नहीं आता है। तो आई होप आप लोग को अंदाजा लग गया होगा, जिन्होंने भी कोर्स लिया था फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें समझ में आ गया होगा कि स्मार्ट स्टडी करना जरूरी है ना, एक तरफ से पढ़ने से रटने से कोई फायदा नहीं होता। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे पाइथागोरियन थ्योरम, तो इसको भी देखते हैं ये क्या कहता है। ये कहता है हमारा कि लेंथ ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू लेंथ ऑफ x का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां पर दिया है इफ एंड ओनली इफ x डॉट y इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो चलिए इसको भी हम लोग करते हैं, और जितनी चीजें मैं इस बार भी कह रहा हूँ, जितनी चीजें मैं करवाता जा रहा हूँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपके कॉलेज में कुछ भी करवाते रहे, कितना भी टफ आपको चीजें देते रहे, क्वेश्चन देते रहे, उससे मतलब नहीं है। वो आप देखते रहो, जो आपके कॉलेज में, जिसके कॉलेज में जैसा भी करवाते रहे, लेकिन जो सेमेस्टर एग्जाम है ना, जितनी चीजें मैं करवा रहा हूँ, यदि इतना आपने पूरा एकदम रट लिया, बढ़िया तरीके से समझ लिया सब चीजों को, तो आप सब क्वेश्चन देखोगे, आपको लगेगा एग्जाम का क्वेश्चन पेपर जब आपके हाथ में आएगा, तो आपको लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं सारी चीजें आप लोग को तैयार करवा दूंगा। बस ये है कि इधर उधर की चीजों पर मत भटको, जितना मैं कह रहा हूं उतनी बस आप चीजें तैयार करते जाओ इत्मीनान से, बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब देखो इसको हमें प्रूफ करना है, तो अब देखो इसको कैसे प्रूफ करेंगे। हम लोग लेकर के चलेंगे लेंथ ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई डॉट एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, x का x से, x का y से, फिर y का x से, फिर y का y से, ये हो जाएगा। अब यहां से देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं लेंथ ऑफ x का स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई और प्लस y का स्क्वायर, लेंथ ऑफ y का स्क्वायर, ठीक है। इतना इसको हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो यहां से ये हमारा क्या आ जाएगा, लेंथ ऑफ एक्स प्लस लेंथ वाई का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, हमारा क्या है, जीरो है, है ना, तो ये वाला पार्ट हमारा जीरो हो गया। क्या आ जाएगा यहां से, लेंथ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ वाई का स्क्वायर, ठीक है। हमने क्या किया, हमने इसको लेकर के चला, ठीक है, एक्स वाई का यूज करके हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखो फिर से
यहाँ पर इफ एंड ओनली इफ वाला केस है, तो दूसरे साइड से भी चलते हैं हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं इफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर हम लोग लिखें, तो ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा, अभी बैटरी खत्म हो गई थी इस वजह से फिर से मैंने चालू किया, देखो इसको समझो। अभी हमने क्या किया, अभी हमने इसका यूज करके इसको प्रूफ किया है ना, इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है कि इधर से लेकर के चले तो इधर पहुंच जाए, इधर से लेकर के चले तो इधर पहुंच जाए। अभी हमने इसको यूज करके इसको प्रूफ किया है, अब हम इसको यूज करके इसको प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई का होल ऑफ स्क्वायर ये हमको क्या दिया है, ये दिया है लेंथ ऑफ x का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ y का स्क्वायर। तो अब देखो यहां से देखो इसकी वैल्यू हमने कितनी निकाली है, इसकी वैल्यू हमने अभी यहां पर देखो निकाली इतनी होती है ना, तो यहां पर हम लोग रख सकते हैं इसकी, ये हो जाएगा हमारा लेंथ ऑफ x का स्क्वायर प्लस टू एक्स डॉट वाई प्लस लेंथ ऑफ y का स्क्वायर इक्वल टू इधर पर क्या दिया है लेंथ ऑफ x का स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ y का स्क्वायर। अब यहां से देखो ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो यहां पर क्या बचेगा, इधर जीरो हो गया तो टू एक्स वाई क्या हो गया जीरो, तो यहां से हम देखेंगे कि जो x डॉट y है वो क्या मिल गया जीरो, है ना, तो इसको हमने प्रूव कर दिया। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। इस तरीके से हम लोग ये सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, और जिन भी स्टूडेंट्स को समझ में आ रही हैं चीजें, पसंद आ रही हैं, सीखने को मिल रहा है, वो स्टूडेंट्स संपर्क कर सकते हैं मुझसे, ठीक है, कंप्लीट कोर्स के लिए। यहाँ पर मैं फिर से नंबर आपको लिखे दे रहा हूँ, इस नंबर पर आप लोग संपर्क करेंगे 83 86 66 67, ठीक है, इस नंबर पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और कंप्लीट कोर्स आप लोग ले सकते हैं और अच्छे तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आप लोग देखोगे कि ये जो आपके सब्जेक्ट हैं, अभी चलो ये मान लो कि जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर रहता है, यहां पर आप लोग जितना अधिक स्कोर कर सकते हो वो स्कोर कर सकते हो यहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद जब सेकंड ईयर में आप पहुंच जाओगे तो फिर चीजें और टफ हो जाती हैं, तो इस वजह से अभी से ये मत सोचो कि हम केवल पास हो जाएंगे, ठीक है। जितना अधिक हो सके सीखने को मिले, सीखने का प्रयास करो और अधिक से अधिक अच्छे अंक भी लाने का प्रयास करो, ठीक है। क्योंकि जब आप लोग एमएससी के एंट्रेंस दोगे या आईआईटी जैम की तैयारी करोगे, यदि आप लोग अभी से पढ़ाई नहीं करोगे तो आप कहीं भी कोचिंग में जाओगे वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, ठीक है। चाहे आप कितना पैसा फेंक दो बड़ी बड़ी कोचिंगों में जाकर के, चाहे नेट के लिए फेंक दो पैसे, चाहे आप लोग आईआईटी जैम के लिए पैसे किसी कोचिंग में बहुत ज्यादा दे दो, वो चीजें ही नहीं समझ में आएंगी जब आपका बेस मजबूत नहीं है, ठीक है। तो इन सब चीजों को तैयार करो, पहले समझो इन चीजों को, इसके बाद फिर आपको अपनी तैयारी करोगे तो फिर चीजें समझ में भी आएंगी, ठीक है। तो आज की क्लास को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और ये हमारी YouTube पर लास्ट डेमो क्लास है, ठीक है। अब इसके बाद की जो भी क्लासेस होंगी लीनियर अलजेब्रा की वो पेड कोर्स में ही चलेंगी। थैंक यू।